आज का एक भारत। सन 1947 में हमारे भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिली, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम चाहते थे, बल्कि वैसे जैसे के अंग्रेज चाहते थे। विभिन्न स्वतंत्र रियासतों के रूप में हालात आज भी वही होते अगर किसी ने इन्हें जोड़ने का भगीरथ पुरुषार्थ न किया होता। भारत की 565 अलग अलग रियासतों को एकजुट करने के इस असंभव से दिखते कार्य को नड़ियाद नामक गांव के किसान परिवार में जन्मे एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने संभव कर दिखाया। बंटी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। ये चमत्कार करने वाले और कोई नहीं, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना पूरा जीवन भारतवर्ष की सेवा में समर्पित कर दिया। बारडोली के एक आंदोलन में सरदार पटेल ने किसानों को ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से बचाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने वाली कर वृद्धि की समस्या का समाधान सरदार पटेल ने अपने नेतृत्व से किया। उन्होंने किसानों को न केवल कर वृद्धि से राहत दिलवाई, बल्कि अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई उनकी जमीन भी वापस दिलवाई। उनके इस योगदान के लिए भारत देश ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल ने देश भर के किसानों को न केवल स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके साथ मिलकर कई आंदोलन किए। उन्होंने उनकी परेशानियों को अपने कंधों पर उठाकर उनका समाधान करने के भरसक प्रयास किए। सभी एक समान है, कोई न ऊंच है कोई नीच है, हमें सब एक समान भाव से देखना। सरदार पटेल में प्रशासनिक दूरदृष्टि और अटल राजनैतिक कुशलता थी। वो स्वराज के साथ साथ सुराज के भी प्रणेता थे।